BTR-80 रशिया में डिजाइन किया गया एक 8x8 एम्फीबियस आर्मर्ड वाहन है, जिसे पहली बार सोवियत अफगान वॉर के दौरान तैनात किया गया था। गाइस, 1984 से लेकर अब तक रूस ने इस तरह के लगभग 5000 से अधिक बख्तरबंद वाहन डेवलप किए हैं, जिनमें से 1000 से अधिक वाहन तो सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर में तबाह कर दिए गए, मगर फिर भी रूस के पास आर्मर्ड वाहनों की एक अच्छी खासी संख्या मौजूद है। खैर, BTR-80 में 260 हॉर्स पावर का एक डीजल इंजन लगा है, जो इसे जमीन पर 90 किलोमीटर पर आवर और पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ 600 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज कवर करने की सहूलियत देता है। जबकि ये वाहन एक बार में 10 लोगों को ले जा सकता है और मेन हथियार के रूप में 14.5 mm मशीन गन या 20 mm वॉल गन रोटेटरी कैनन का इस्तेमाल करता है।